लगेज ए वन स्टॉप शॉप फॉर ट्रैवल। लगेज बैग्स, स्कूल एंड कॉलेज बैग्स, लेडीज पर्स, लेदर जैकेट्स एंड रेन कोट्स। स्पेशल डिस्काउंट इज अवेलेबल हाशमी लगेज बिसाइड हाशमी ब्रदर्स मेगा सुपरमार्केट न्यू टाउन महबूब नगर। सलील साहब ने ये बात कही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ना बने। कोई बिहार पटना में मीटिंग हुई, लोगों को बिठाया गया, बातचीत हुई। मैं इम्तियाज जलील साहब की बात से मुत्तफिक हूं, मगर ये लोग जो सिर्फ अपने आप को बड़ा समझते हैं और इनको बड़ी गलत फहमी है कि वही हरा सकते नरेंद्र मोदी को, मेरे प्यारे याद रखो मेरी इस बात को, जब तक तुम कमजोर और मजलूमों को साथ नहीं लोगे तुम जुल्म का खात्मा नहीं कर पाओगे। ताकतवर लोग बैठकर एक ताकतवर को हराएंगे तो फिर कोई मजा नहीं है। अरे तुमको उसको साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को मार मार कर उसका वीडियो बनाकर उसका कत्ल कर दिया गया। तुमको उस मां को साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। तुमको उस परिवार को साथ लेना पड़ेगा जिसका बेटा, जिसका भाई चार चार साल से जेल में सड़ रहा है। तुमको उसको अपने साथ लेना पड़ेगा जिसको मजहब के नाम पर दबाया और कुचला जाता है। अरे ताकतवर लोग बैठकर कुछ भी कर ले, जब तक तुम मजलूम को साथ नहीं लोगे, जिसका पेट खाली है, जिसके सर पर निशानात है जालिम के जुल्म के, जिसकी कहानियां हैं जुल्म की उनके घरों में, अगर तुम उनको साथ नहीं लोगे तो सिर्फ तुम्हारी बात बात रह जाएगी, अल्फाज खाली रहेंगे। आओ बताओ, अगर तुम जालिम से मुकाबला करना चाहते हो, बताओ अगर तुम इस मुल्क में वो संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने ये कहा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरनिटी, जस्टिस को कायम करना चाहते हो, अगर तुम वो संविधान जिसमें बाबा साहेब ने राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी का संविधान में फंडामेंटल राइट बनाया, अगर तुम कल्चर को मानते हो जो आर्टिकल 29 का है, अगर तुम वाकई में मुखलिस हो तो हम हाथ बढ़ाते हैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मगर अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे मिलने से, तुम्हारे बोलने से सब चीज हो जाएगी तो नहीं होगा। अरे सबसे बड़ा जुल्म किसी पर हुआ तो मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। अरे तुम कौन हो बताओ, तुमको देखकर ऐसा नजर आता है कि ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिटिस लोग बैठे हैं, वहां पर कमजोर मजलूम नजर नहीं आता। तुम्हारा नुकसान तो यह हुआ कि तुम्हारे हाथ से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्रीशिप चले गई। तुम्हारा नुकसान यह हुआ कि तुमको ईडी का तुम पर केस हो गया। तुम्हारा नुकसान तो यह है कि तुम्हारे लोग परेशान हैं। अरे कभी तुमने ये भी तो सोचा कि मेरी शनाख्त खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद सियासत को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं एक शीशा पीला हुई दीवार की तरह, ठहरे हुए हैं, इन सबको देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं, और हमारी जबान से क्या निकलता, हसबुनल्लाहु निमल वकील, हसबुनल्लाहु निमल मकील, हसबुनल्लाहु निमल वकील। तो अगर
ये आपकी सोच होगी तो बराबर हम तैयार हैं, मगर अगर आप ये समझेंगे कि 16 चौधरियां बैठकर एक बड़े चौधरी से मुकाबला करेंगे तो नहीं होगा। तो हम आपसे बताना चाहते हैं, इखलास की बुनियाद पर बातचीत होगी तो हम समझ सकते हैं। अच्छा ये बताओ आप कि इम्तियाज जलील है बीजेपी और संघ परिवार को 21 साल से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट, जो औरंगाबाद के पार्लियामेंट के हलके में कोई विकास डेवलपमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। औरंगाबाद की आवाम को मैं लाखों सलाम करता हूं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो, हमारी खवातीन को, गयूर नौजवानों को, सिख भाइयों को, हमारे तमाम लोगों को। उन्होंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब औरंगाबाद को इम्तियाज की जरूरत है और इम्तियाज को कामयाब कर दिया। आपने क्या हराया? हम हराए? तुम क्या हराए? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात सुनिए, सुनो, हाँ रहेंगे, आप सुनिए, हम ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात को। आप तकरीर करना चाह रहे तो आओ यहाँ पे, आओ करते हाँ, आप तुम बोलेंगे यहाँ के ठहरना पड़ेगा, तुम्हारे 10 बजे तक भड़काओ भाषण देना पड़ेगा। खामोश। अब तीसरी बात यह है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, शिवसेना सेकुलर है, आप सेकुलर मानते शिवसेना को? कितने सेकुलर ने मानते, हाथ उठाओ। उधर पीछे ने उठा रहे, डर रहे क्या? अब क्या हुआ, कांग्रेस, राहुल गांधी और शरद पवार मिलके उद्धव ठाकरे को बोले आप सेकुलर है, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। अरे ये क्या है बाबा, क्या हमारे कान में फूल है या तुम हमको मुंह में चॉकलेट दे रहे? उनको मुख्यमंत्री बना दिए और हमारे जो सरकारी मुसलमान है, ये सरकारी, अरे नहीं भाई, ये उन्हें नहीं तो इन्हें, अरे ये कौन सी बात हुई, मैं मरद नहीं, मेरा भाई मरद बोल तो कैसा? अरे आप बताओ ये सेकुलरिज्म है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, मगर पवार साहब नहीं मानेंगे मेरी बात को, बोलेंगे नहीं ये भड़काऊ भाषण देता है। अच्छा वो हो गया, अभी इम्तियाज साहब अपने भाषण में बोले कि सुबह छह बजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अचानक निकाह कर लिए। अच्छा निकाह करे करे शरद पवार साहिब को नहीं मालूम, भतीजा निकाह कर लिया, वलीमा नहीं हुआ, हुकूमत खत्म हो गई। वलीमा मालूम ना? मालूम, अब ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो लोग बोलेंगे इन्हें उधर लेके जा रहे। अब कौन जिम्मेदार उसका? मैं जिम्मेदार। अब आप बताइए कि ये मामलात है। अच्छा ये लोग बोलते हैं कि नहीं मुसलमान हमको वोट देना, वोट देना आपका अख्तियार है, दलित वोट देना उसका अख्तियार है, हमारे दलित भाइयों का। मगर आप बताइए, आपने मुस्लिम अकलियत को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया उद्धव ठाकरे? क्या एक मराठा का बच्चा डॉक्टर बनेगा, मुसलमान मोची का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा? एक मराठा का बेटी आईपीएस ऑफिसर बनेगी,
तो क्या एक टीचर की बेटी आईपीएस ऑफिसर नहीं बनेगी जो मुसलमान है? मगर आपने नहीं दिया। हमारी गरीबी यह है कि 83% महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, 56% मुसलमान के पास कोई एसेट नहीं है, और सिर्फ 0.7% मुसलमान जो महाराष्ट्र के, वो सालाना 3,60,000 उनकी आमदनी है, यानी 1% भी नहीं है। मगर हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे बोलेंगे मराठा को मिलना बराबर मिलना, मगर हम क्या गुनाह करें? दो आप मराठा भाइयों को, बहनों को, मुस्लिम भाई बहन को भी दो, मगर नहीं, मराठा ताकतवर होगा, मुसलमान गरीब से गरीब होगा, मगर ओ जिनको देना पड़ेगा। अरे तुम खुल के क्यों नहीं कह देते कि हम तुमको हमेशा कमजोर करके रखेंगे, हम तुमको हमेशा भिखारी बनाकर रखेंगे? बोल दो, खुल के बोलो। तुम मुसलमान का वोट चाहते मगर रिजर्वेशन नहीं देते शरद पवार साहिब, राहुल गांधी, क्यों नहीं देते? नहीं, अगर देंगे तो हिंदू वोट बीजेपी को चला जाएगा। अरे वोट की बात नहीं हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है। इंसाफ जब करोगे तो मजहब को छोड़ना पड़ेगा। इंसाफ मजलूम से होना चाहिए, कमजोर से पहले होना चाहिए, मगर उसके बाद नहीं करते। आपको मालूम पिछले साल 2021-22 में पूरे मुल्क में 1,80,000 मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन से निकल गए, उसका 10% महाराष्ट्र का ताल्लुक है। इस पे कोई बात नहीं करेगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? अब महाराष्ट्र में यहां पर 2-in-1 की सरकार है, 2-in-1 है, शिंदे फडणवीस, पहले 3-in-1 था, पहले शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, 3-in-1, अब 2-in-1। अब ये 2-in-1 की सरकार ने अपने दौरे इख्तदार में 50 हेट रैलीज करवाए, 50 हेट रैलीज करवाए, लव जिहाद हो रहा, लव जिहाद हो रहा। फडणवीस साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप बोलेंगे, आप ये रिकॉर्ड पेश कर दो, अगर दोबारा बोलेंगे तो यहां आना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड पेश कर दो कि कितने लव जिहाद हुए हैं। और फडणवीस साहब, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुमको, शिंदे को, आरएसएस के भगवत को, तुम हमको ये बता दो, हमको ये बता दो कि लव जिहाद का डेफिनेशन क्या है? किसको लव जिहाद बोलते बताओ, डिफाइन करो। तुम नहीं कर सकते। और नतीजा क्या हुआ? कोल्हापुर, अकोला, जलगांव, अहमदनगर, जो मैंने जिक्र किया, ये सब तमाशे हुए। हम महाराष्ट्र की हुकूमत से, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कह रहे हैं कि आप सरकार की बातों में मत आओ, महाराष्ट्र के पीस को मेंटेन करो, आप सरकार को खुश करने के लिए आईपीसी इस्तेमाल मत करो, आप जो एक्यूज्ड है उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। अमन जरूरी है, सरकारें आएंगी और चले जाएंगी। हम उम्मीद करते कि महाराष्ट्र के आला पुलिस अहदेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे वजीर आजम अमेरिका गए, वजीर आजम अमेरिका गए, हमको उस पर कोई एतराज नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भारत, इंडिया और यूएसए के ताल्लुकात और अच्छे हों। अब तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अब तो हम एग्रीमेंट्स में शेयर्ड वैल्यूज का जिक्र करते हैं, मगर हमारे वजीर आजम जब अमेरिका में थे तो दो बातों का मुझे बड़ा एतराज है। उमूमन अगर कोई मुल्क का वजीर आजम फॉरेन टूर पर जाता है, उस पर तबसरा करना ठीक नहीं है,
मगर वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी, मैं मजबूर हूं आपकी बात को यहां पर रखने के लिए। एक ये कि नरेंद्र मोदी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 साल में मीडिया के सामने आकर की। 9 साल में कोई मीडिया उनसे सवाल नहीं कर सकता था, कोई मीडिया के लोग नहीं। हां, वो एक सेलेक्टेड मीडिया का ग्रुप है, जैसा एक इंटरव्यू लेने वाले पूछा, मोदी जी आपको आम पसंद है, काटने के पसंद है या चूसने के पसंद है? अबे क्या तू अभी भी इतना बुढ़ा हो के दूध निप्पल से पीता? फिर एक रिपोर्टर पूछे, आप अपने जेब में बटवा रखते, कहीं को तेरे को धिंगाना होना समय ने। मगर वहां की एक रिपोर्टर ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ने भारत के वजीर आजम से जो सवाल किया, देश के प्रधानमंत्री, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि इस तरह से आपसे सवाल किया गया कि आप 9 साल से भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं, 300 एमपी आपके पास हैं, और आपसे सवाल करने वाला ये सवाल करता है कि क्या आप भारत के मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या काम करेंगे, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री, मैं खुश होता अगर आपसे सवाल होता कि आप उस देश से आते हैं जहां पर 50% आबादी भारत की 28 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं खुश होता इस बात से कि अगर रिपोर्टर आपसे सवाल करती कि बताइए मेक इन इंडिया में आपने क्या क्या बनाया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि क्या आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस टारगेट को हासिल कर लिया। मैं खुश होता अगर उस फॉरेन रिपोर्टर आपसे बोलती कि भारत में इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपने क्या किया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर नौजवान है तो भारत में उसकी बेरोजगारी के लिए आप क्या किए। मगर उस रिपोर्टर ने 9 साल के वजीर आजम, 300 एमपी रखने वाले वजीर आजम से पूछा, मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमारे वजीर आजम ने कह दिया कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रधानमंत्री, सच्चाई को मैं अब बयान कर रहा हूं, क्या मणिपुर में 300 चर्चिस को जला दिया गया, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? 300 चर्चिस मणिपुर में जला दिए गए, क्या उत्तरकाशी में मुसलमानों से नहीं कहा गया कि छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारा बायकॉट किया जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वजीर आजम, क्या आपका दिल्ली के एमपी ने नहीं कहा कि मुसलमानों से कोई खरीदो फरोख मत करो, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वजीर आजम, क्या आपने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर नहीं बनाया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आपने 40% कम कर दिया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म कर दिया, अल्पसंख्यक समाज के लिए अब कोई मुसलमान बच्चा फेलोशिप और PhD नहीं कर पाएगा, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? प्रधानमंत्री, डिस्क्रिमिनेशन यही भी है कि आपके 306 एमपी में एक मुसलमान एमपी नहीं। डिस्क्रिमिनेशन यह भी है कि आपके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। बताओ प्रधानमंत्री, फिर आपने क्यों कहा ये? मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप से इस तरह का सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट ने कर दिया। हम तो उम्मीद करेंगे कि भारत के जर्नलिस्ट भी पप्पा जी से इस तरह का सवाल करेंगे।
करेंगे नहीं करेंगे नहीं मालूम, मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री आपसे इस तरह का सवाल हुआ। दूसरी बात, जो देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने वहां की कांग्रेस को तकरीर की, जिसमें अमेरिका के पार्लियामेंट कांग्रेस और सेनेटर्स बैठे हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमको 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद मिली। देश के प्रधानमंत्री आप क्यों ये झूठ बोलते हैं कि 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद आप बोलते मिली है? तो फिर देश के प्रधानमंत्री आप ये बताओ कि अगर 75 साल की आजादी जो हमको अब मना रहे 1000 साल की गुलामी से मिली, तो फिर अंग्रेज तो 200 साल हुकूमत किए, क्या मराठा लोगों की हुकूमत नहीं थी? क्या पेशवाओं की हुकूमत नहीं थी? क्या चोलास की हुकूमत नहीं थी? क्या विजयनगरा की हुकूमत नहीं थी? क्या यादवा हौसला की हुकूमत नहीं थी? क्या गुलाम जिसका नाम मलिक अंबर है उसकी हुकूमत नहीं थी? प्रधानमंत्री आप कहां भूल जाते हैं? आप खाली एक ही आंख से देखते बस वो दिख गया वो नहीं छे। प्रधानमंत्री लाल किले पे जो खड़े हो कि आप 15 अगस्त को झंडा लहराएंगे, ताजमहल, ये सब क्या है? ये भी तारीख का हिस्सा है प्रधानमंत्री, हिस्ट्री का हिस्सा है। मगर जो 500 साल पहले हुआ, आप असदुद्दीन ओवैसी से पूछ रहे, तुम बोलो है? अरे भाई साहब, हम जो है बाबा आदम की औलाद है। सुने फडणवीस, हम बाबा आदम की औलाद है। और बाबा आदम जब दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंद में रखे, तो जब अब्बा यहां पे कदम रखे तो ये अब्बा की जमीन हो गई, ये अब्बा की जमीन है। तो अब्बा की जमीन से अब कोई निकलने वाला नहीं है। हम सब लोग आदम की औलाद है। किसकी औलाद है? बाबा आदम हमारे अब्बा, डैडी, पापा, अब्बू, बस ये समझना है। मगर इनकी औलाद, उनकी औलाद, अरे तुम क्या औलाद के एक्सपर्ट हो क्या? तोबा तोबा, ऐसा नहीं होना, ना ना। अच्छा बाप, इन्हें फोटो रखा तो भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारत का जब आईन बाबा साहेब अंबेडकर बना दिए, उसकी पहली किताब में बाबा साहेब अंबेडकर ने पहली किताब बनाई, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उन सब ने उस पर दस्तखत की, उस सब पर, सुनो भाई, उस सब पर उन्होंने साइन की। बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस मुल्क को आइन दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे थे, उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी कुर्बानी नरेंद्र मोदी से बड़ी थी, हर एक से ओवैसी से बड़ी थी। उस पहली किताब में सबके फोटोज है, उसमें टीपू की भी फोटो है। आप निकाल दो उस फोटो को, आप निकालो ना उस फोटो को, दम है तो निकालो। उस पहली किताब जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फोर फादर्स ने साइन किया, फोटो निकालो। अकबर की फोटो, झांसी की रानी की फोटो, गुरु नानक की फोटो, राम सीता लक्ष्मण की फोटो, गौतम बुद्ध की फोटो, महावीर की फोटो, अरे यही तो भारत है। मगर इनको 1000 साल में
इनको विजयनगरा याद नहीं आता, छोलास याद नहीं आते। प्रधानमंत्री और एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, ये बराक ओबामा जानते? बराक ओबामा को अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दिल्ली को आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको अपनी हाथ से बड़ा नजाकत से चाय दाल के पिलाए थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोल दिए कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और नरेंद्र मोदी क्या बोले थे उनके बारे में कि बराक ऐसा ही कहा था, वीडियो देखो, मैं और बराक कैसी गुफ्तगू करें, तू तड़क की बात करते। प्रधानमंत्री जब तू तड़क की बात कर रहे तो ये बराक ओबामा इस तरह की बात क्यों कर दिए? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे देश में ये जो फिरका परस्ती का जहर बढ़ रहा है इसको रोकने की जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पुरमन रहिए मगर बुजदिल मत रहिए, अमन को मजबूत करिए मगर खौफ को करीब आने मत दो, अमन को मजबूत करो मगर हालात से समझौता मत करो, अमन को मजबूत करो मगर अपनी जमहूरी लड़ाई को जारी रखो। तुम्हारे करीब ना डर आना चाहिए, तुम्हारे करीब ना यह गैर यकीनी कैफियत आना चाहिए। हिम्मतों को बुलंद रखो, ये भारत हमारा है, हम यहां पर बाबा आदम के जमाने से रह रहे हैं, बाबा आदम के जमाने से रह रहे हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, सुबह कयामत तक रहेंगे, डरेंगे नहीं, संविधान के मुताबिक अपने दीन पर चलेंगे, अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे, हम अपने मजहब पर कल्चर की हिफाजत आर्टिकल 29 हमको देता है, हम उस पर चलते हैं। अभी खाली 10% बोला हूं, जब इलेक्शन होगा और 20% बोलूंगा। आप आएंगे ना या खाली ऐसा ही बोल रहे, और वोट देंगे ना, पतंगू देंगे ना, या फिर डर के बोलेंगे नहीं उनको दे ना, अपनी पार्टी मलेस पार्टी, अपना लीडर इम्तियाज, अपना लीडर गफ्फार कादरी। जब सब लोग अपने अपने लीडर को बना लिए, तुम भी लीडर बनो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। शहर महबूब नगर में लगेज बैग्स, स्कूल बैग्स और ख्वातीन के लिए खूबसूरत बैग्स का अगर कोई मरकज है तो वो है हाशमी लगेज। जी हां नाजरीन, हाशमी लगेज में उम्दा अकसाम के मजबूत लगेज बैग्स, टूरिस्ट बैग्स की एक बड़ी फहरिस्त है। हमारे यहां तमाम म्यारी कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, वाइल्ड क्राफ्ट, सफारी, VIP, स्काई बैग्स, एरिस्टोक्राफ्ट, जीनी, आर्कटिक फॉक्स, लावी, बैगिट, स्पेस, लेजेंड, टोनिनो, हाई स्प्रिट, लेदर जैकेट्स, वैलेट्स, रेनकोट्स। इसके अलावा स्कूल व कॉलेज जाने वाले तुलबा के लिए भी मजबूत बैग्स का एक बड़ा कलेक्शन मौजूद है। साथ साथ ख्वातीन के लिए भी खूबसूरत तरीन हैंड बैग्स का भी बेहतरीन कलेक्शन है। लगेज बैग्स और टूरिस्ट बैग्स पर हमारे यहाँ वाजबी डिस्काउंट दस्तियाब है। जी हाँ, भरोसे का दूसरा नाम हाशमी लगेज, आज ही तशरीफ लाएं। हाशमी लगेज, न्यूटाउन, महबूब नगर।